पिछले जन्म में सबरी एक राजा की रानी थी और तीर्थराज प्रयाग में राजा रानी वहां पहुंचे तो संतों को देखकर मन हुआ कि इन संतों के बीच में बैठकर कीर्तन करूं, सत्संग सुनूं। पर राजा ने कहा, नहीं नहीं रानी, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम महारानी हो और इस प्रकार महात्माओं के बीच में बैठोगी तो हमारी गरिमा नष्ट होगी। उन रानी को लगा कि ऐसी गरिमा, ऐसा हमारा जो महिमा है वो किस काम की, कि भगवान की महिमा ना सुनने दे, भगवान की भक्ति ना करने दे, इससे अच्छा ये देह छूट जाए, मुझे ऐसा रानी पद नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में जाकर गंगा जी में डुबकी लगा ली और मरते मरते कहा, हे गंगा मैया, अब की बार मुझे किसी विपन्न के घर में जन्म दे देना, पर मुझे ऐसी कृपा कर देना कि मेरे हृदय में राम भक्ति बसी रहे और मुझे राम जी की प्राप्ति हो जाए। त्रिवेणी में जाकर डुबकी लगा ली, डूब गई। और वही रानी सबर जाति में जाकर उसका जन्म हुआ। सबरी, वो उसका नाम सबरी नहीं था, सबर जाति में जन्म होने से उसका सबरी नाम पड़ गया। तो अभी बालिका ही थी, अवस्था अधिक नहीं हुई थी, लेकिन पहले के समय में बाल विवाह हो जाते थे तो विवाह की तैयारी होने लगी। जटाएं सुलझा रही थी मां, उनसे मां से पूछा, मां क्या उत्सव है हमारे यहां, क्या होने वाला है? मां ने कहा, बेटी तेरा विवाह होगा, तेरी बारात आ रही है। तो उस बालिका ने देखा कि एक जगह बहुत सारे पशुओं को बंद कर रखा है, मां इन सब पशुओं को क्यों बंदी बना रखा है? बोले, बेटी जब बारात आएगी तो उनकी दावत होगी तो उनके भोजन की व्यवस्था है। अब वो वनवासी लोग थे, ऐसी व्यवस्था। मन जो है वो अत्यंत व्यथित हो गया उस बालिका का, क्योंकि भक्तों का हृदय बड़ा कोमल होता है, संतों का हृदय कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। उस बालिका को लगा कि मेरे विवाह के कारण, मेरे कारण इतने निरीह पशुओं को मारा जाएगा, मुझे ये स्वीकार नहीं है। दिन में तैयारियां चलती रहीं, रात्रि में सब सो गए। तब यह बालिका अर्ध रात्रि में उठी और सबसे पहले उन पशुओं के बाड़े में गई जहां वो पशु बंद थे, उनका दरवाजा खोलते हुए सबको मुक्त कर दिया। और जब वो निकलकर भागने लगे तो कहा कि आज जैसे मैंने तुम्हारा बंधन छुड़ाया है, ऐसे ही कृपा करो कि भगवान मेरे बंधन को छुड़ा दे और मैं भी बंधन से मुक्त हो जाऊं। और रात्रि में ही निकलकर भागी, जंगलों में छुपती हुई, भागती हुई, कभी किसी की कुटिया में, कभी किसी की में, पर कोई भी ऋषि मुनि ने उसको आश्रय नहीं दिया। सवर जाति की है, कन्या है, लेकिन जब मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंची तो छुप करके सेवा करने लगी। वहां भी भयभीत थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे यहां से निकाल दिया जाए। तो रात्रि के समय जब सब सो जाते तब सेवा करने जाती तो आश्रम के बाहर बुहारी कर देती, संविधाएं जंगल में से दिन में लेकर आती और रात्रि में दरवाजे पर रख जाती, साधुओं के काम आएंगे, आश्रम को साफ स्वच्छ कर जाती। सवेरे लोग देखते, आखिर ये सेवा करता कौन है? एक दिन सेवकों ने छुप करके देख लिया, पकड़ी गई, बहुत डर गई, थर थर कांपने लगी, मतंग मुनि के सामने प्रस्तुत किया। मतंग ने कहा, बेटी डरो मत, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, रहो मेरे आश्रम में, खूब प्रेम से राम राम करो, कोई बात नहीं है। उस कन्या ने कहा, गुरुदेव, इस समाज के लोग आपको निंदा करेंगे क्योंकि मैं छोटी जाति की हूं। मतंग ने कहा, बेटी, मतंग नाम होता है हाथी का, और हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, पर कुत्तों के भौंकने की परवाह हाथी को नहीं होती, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या कहेगा। राम को भजे सो राम को होई, बेटी तू भगवान की भक्ता है, तू मेरे यहां रहे। मतंग के यहां वह बेटी रही और जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, मतंग ऋषि ने कहा, देवी अब मेरे जाने का समय आ गया,
तो मैं जाऊंगा, लेकिन बेटी तू अधीर मत होना, और मैं जो राम नाम तुझे दे रहा हूं, इस राम नाम को गाते रहना, तुझे भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन स्वयं भगवान चल करके तेरे पास आएंगे। गुरु जी का आशीर्वाद हो तो भगवान कैसे चलकर आ जाते हैं, ये इस प्रकरण से समझना है। गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा, बल्कि भगवान खोजते हुए पहुंच जाएंगे कि मेरा भक्त कहां है, सब में भगवान आ जाएंगे। तो मतंग मुनि तो सुधार गए। अब है बालिका जो है वन में कुटिया बनाकर रहती है, और उसको आचार्य जी ऐसा लगता था कि आज ही राम जी आने वाले हैं, गुरु जी कह गए तो आज ही आएंगे। तो सवेरे से अपने आश्रम को झाड़ने बुहारने लगती कि सफाई कर लूं, राम जी आने वाले हैं। फल तोड़कर ले आती और सजाकर फल रख देती, अपनी कुटिया का दूर तक रास्ता साफ करती, राम जी आएंगे उनके पैरों में कंकड़ पत्थर ना लग जाए। और ऐसा करते करते संध्या हो जाती, और जब शाम हो जाती तो शाम को भी राम जी नहीं पहुंचे तो सोचती कि आज नहीं आए, किसी ऋषि मुनि के आश्रम पर रुक गए होंगे, कोई बात नहीं आज नहीं आए तो कल अवश्य आएंगे। दूसरे दिन सवेरे फिर उठती है और फिर वही सब क्रिया करती है, आश्रम को बुहारती है, रास्ता बुहारती है, बंधनवार लगाती है, प्रतीक्षा करती रहती है, फल तोड़कर रखती है, पुष्प तोड़कर रखती है, आएंगे आएंगे। कितने दिन प्रतीक्षा की, पूरी युवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, देखते देखते आंखें पथरा गई, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बाल श्वेत हो गए, बुढ़ापा आ गया, लेकिन विश्वास नहीं टूटा, मेरे गुरुजी ने कहा है राम जी आएंगे तो मेरे राम जी अवश्य आएंगे, एक दिन मेरे राम आएंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए।